हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स में। देखिए, ईपीएफओ की जो वैकेंसी थी उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि कैसे एग्जाम्स होंगे और कितने पोस्ट हैं। तो अभी तक फिलहाल एक छोटा सा न्यूज़ कटिंग ही था और उसमें बताया गया था कि ईपीएफओ के एग्ज़ाम जो हैं, जो कि दो पोस्ट के लिए होने वाले हैं, एक तो एओईओ होगा और दूसरा होगा एपीएफसी। तो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट ने जारी किया है नोटिफिकेशन, उसमें कहा गया कि दोनों के एग्ज़ाम सेपरेट होंगे। ओके, दोनों के एग्ज़ाम सेपरेट होने वाले हैं। पहला जो एग्ज़ाम है उसमें वैकेंसी के बारे में आपको पूरा डिटेल दिया गया था कि कितने वैकेंसी हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया फिर से 418 वैकेंसीज, ठीक है, तो 418 वैकेंसी इसकी होनी है। और इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से बता दिया गया कि कितने कौन से कैटेगरी होंगे। PWBD यानी कि फिजिकली जो हैंडीकैप हैं उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि कितने पोस्ट उनके लिए लाए गए हैं। आगे चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एपीएफसी के जो थे वो यहाँ पे वैकेंसी नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, और वैकेंसी नंबर ये होगा इसका। इसमें बताया गया है कि 159 वैकेंसी जो हैं इनके लिए होंगी। रिजर्वेशन कैटेगरी ये रहा, एक एक करके दिया गया। अब जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे नीचे हैं, जो कि है सिलेबस आपका। लेकिन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें और हैं वो यहाँ पे भी हैं कि जो डेट है कि कब से शुरू होगा, 25 तारीख से शुरू होगा एप्लीकेशन, और 17 तारीख को मार्च में ये एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करने हैं आपको शाम को 6 बजे से पहले। कैंडिडेट के लिए कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं कि जो भी वेबसाइट है वही पुराना UPSC का वेबसाइट है, वहीं से आपको जाके करना है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया है SC ST को 5 साल का, ठीक है, SC ST को 5 साल के लिए दिया गया है रिजर्वेशन, जबकि OBC के लिए 3 साल का दिया गया है रिजर्वेशन। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको, एज लिमिट। और भी बताया गया है कि APFC वाला जो फॉर्म होगा उसके लिए भी बताया गया है कि एज लिमिट 5 साल होगी। और आगे देख लीजिए एग्ज़ाम्स के बारे में, हेडक्वार्टर देखिए यहाँ पे है इसका नई दिल्ली में। इसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो भी रहेगा यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए प्रोबेशन पीरियड डाला गया है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनके लिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इन दोनों के लिए। और यहीं पे देखिए ये शब्द यूज किया गया है, बोथ द रिक्वायरमेंट्स टेस्ट, यानी कि जिसको RT बोला है विल बी हेल्ड सेपरेटली, ठीक है। तो द एग्ज़ाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन UPSC वेबसाइट। तो अभी एग्ज़ाम डेट जो है वो आया नहीं है, और ये UPSC के वेबसाइट पे डाला जाएगा, और इन दोनों के एग्ज़ाम जो हैं वो सेपरेट किए जाएंगे। ये अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट था। अब यहाँ पे देखिए कैसे और चीज़ें आगे कंडक्ट की जाएंगी। तो EPF जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के हैं वहाँ पे कैसे एग्ज़ाम होंगे, तो 2 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है, और ऑल क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन बराबर होंगे, और टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू में भेजा जाएगा जो भी क्वालिफाई करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में होगा ये पेपर, और पेनल्टी भी होगा रॉन्ग आंसर पे, ध्यान रखिएगा 1/3 वाला जो UPSC लगाती है 1/3 वाला, वही वाला इसमें भी लगाया जाएगा। सिलेबस के बारे में बात करें तो AO EO के लिए जो सिलेबस है वो ध्यान रखिएगा, वो दोनों में अलग अलग सिलेबस हैं। तो इसका जो सिलेबस है इसमें जनरल इंग्लिश होगी, और इसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होगा, करेंट इवेंट्स होंगे एंड डेवलपमेंट्स इशू होंगे, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इंडियन अकाउंटिंग वाले कुछ चीज़ें होंगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, ये दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे देखिए जनरल साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन होंगे। ये ज़्यादातर क्वेश्चन 5-5 करके आते हैं, आपके जनरल साइंस के 10 हो सकते हैं। वैसे हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं उनको भी। जनरल एंड मेंटल एबिलिटी भी होगा, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा। सोशल सिक्योरिटी के मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड होंगे, जो कि SC ST माइनॉरिटी या फिर महिलाओं के लिए जो स्कीम बनाए जाते हैं, इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए जो स्कीम बनाए जाते हैं। वेटेज की बात करें तो देखिए 75-25 का वेटेज होगा। अगर मान लीजिए 300 का टेस्ट होता है तो 100 नंबर का करीब यहाँ पर इंटरव्यू होगा, तो ये हो गया 75-25 का एक रेशियो। और इसके अलावा अगली वैकेंसी जो है APFC की, उसमें देखिए किस प्रकार से इसकी जो टेस्ट है वो कंडक्ट किए जाएंगे। ये भी 2 घंटे का होगा और ऑफलाइन ही होगा, कैरी करेंगे इक्वल मार्क्स और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश दो
लैंग्वेज में होंगे। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पे भी 1/3 वाला जो यूपीएससी में लगता है माइनस मार्किंग वही होगी। सिलेबस देखिए लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस, तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश होगा, इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम मूवमेंट होगा और करेंट इवेंट्स होंगे, पॉपुलेशन होगा, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये देखिए सब यहाँ पे जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ब्रॉड है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड इन इंडियन इकॉनमी, और इसके अलावा अकाउंटिंग ऑडिटिंग, ध्यान रखिएगा यहाँ ऑडिटिंग भी आ गया है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंश्योरेंस अलग से जोड़ा जा रहा है। बेसिक नॉलेज में कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा और जनरल साइंस होगा, तो यहाँ पे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जनरल साइंस के क्वेश्चन दिख जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, स्टैटिक्स होगा और जनरल मेंटल एबिलिटी होगी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, तो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। वेटेज की बात करें तो यहाँ भी 75-25 का ही होगा, यानी कि अगर 300 अंक नंबर के ये टेस्ट होते हैं तो 100 नंबर का ही इंटरव्यू भी होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। सेंटर्स की बात करें तो जल्दी से आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए, तो अपने हिसाब से आपको सेंटर भी मिल जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो पहले सेंटर चूज किया जाएगा उसी पर ये बेस्ड होगा। तो बहुत सारे सेंटर हैं आपके, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, सारे आपके छोटे शहर भी दिख जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए छोटे शहरों में अगर बात करें टायर टू टाइप के शहरों में, तो गोरखपुर, ग्वालियर, ऐसे शहर भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के बारे में बताया जाए कि जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि जो अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे उनके बाद उनका होगा इंटरव्यू, तो वहाँ पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको होगा सिलेक्शन प्रोसेस, और उसके बाद 2 साल की प्रोबेशन पीरियड, और उसके बाद आपकी नौकरी पक्की, आप अच्छी खासी सैलरी उठाइए। तो ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।